बच्चे का जन्म परिवार में अपार खुशियाँ लाता है और यह बांटने से बढ़ता है। जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, वैसे ही माता पिता भी चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को दुनिया भर की खुशियाँ दें। पूजा और महेश ने अपने बच्चे के जन्म पर उसे एक ऐसा तोहफा दिया जिससे उसके भविष्य के कई रास्ते खुल गए। उन्होंने अपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इससे उनके बच्चे के स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई से लेकर देश विदेश में नौकरी तक की तैयारी हो गई। नमस्ते। आइए दीदी। कैसे नमस्ते दीदी। ठीक है दीदी। और तुम्हारी बेटी? वो भी एकदम ठीक है दीदी। महेश, तुम्हारे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मिल गया? हाँ दीदी, वो बस कुछ ही दिन में मिल जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी एक बात पूछे? हाँ पूछो। ये बच्चे का जन्म पंजीकरण क्यों कराते हैं? क्यों? बच्चे के लिए सबसे बेहतर और जरूरी उपहार है उसकी कानूनी पहचान और नागरिक अधिकार। ये सब उसे मिल सकता है जन्म पंजीकरण कराने से। बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र किसी भी जन्म की तिथि और स्थान का एकमात्र प्रमाण होता है। सही बोल रहे हैं आप। बच्चों को उसका अधिकार दिलवाने के अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म से मिले आंकड़ों से सरकार को समाज और आर्थिक कल्याण की योजनाएं बनाने में उसको मदद मिलती है। ये प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है क्या? हाँ, भविष्य में यह प्रमाण पत्र बच्चे के कल को संवारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु सहायता प्रदान करता है। वैसे पंजीकरण के प्रशासनिक उपयोग भी हैं। पंजीकरण के दौरान दिए गए विवरणों को आधार मानकर जनसंख्या एवं स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं और आवश्यक सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। जन्म पंजीकरण कब तक कराया जा सकता है? जन्म से लेकर 21 दिन तक निशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं और 21 दिन से 30 दिन तक ₹1 विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण करा सकते हैं तथा उसके पश्चात विलंब शुल्क के साथ में शपथ पत्र यानी एफिडेविट के द्वारा पंजीकरण कराया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में हुए जन्म का पंजीकरण संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति के साथ साथ संबंधित अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। जन्म की सूचना बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर देना आवश्यक है। ये सूचना माता पिता या आप स्वयं दे सकते हैं या सूचना देने के लिए किसी व्यक्ति का नाम भी नामित कर सकते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, मुखिया भी बच्चे के जन्म की सूचना रजिस्ट्रार के पास पहुंचा सकते हैं। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल या किसी दूसरे स्थान पे हुआ हो तो कैसे बनेगा प्रमाण पत्र? अगर किसी ऐसे जगह में बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ के प्रभारी का पहला कर्तव्य बनता है कि बच्चे के जन्म की सूचना वहाँ के रजिस्ट्रार को उपलब्ध करवाए। और अगर बच्चे का जन्म चलती गाड़ी, नाव या हवाई जहाज में होता है, वाहन प्रभारी का कर्तव्य है कि प्रथम विराम स्थल के अंतर्गत आने वाली पंजीकरण इकाई में उसकी सूचना दे। किसी भी प्रकार से सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार या संबंधित पदाधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि उसका सत्यापन कराकर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी करे। जन्म पंजीकरण कराने के लिए कितने तरह के प्रपत्र होते हैं? जन्म पंजीकरण के लिए दो प्रकार के प्रपत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रपत्र एक जन्म सूचना प्रपत्र एवं प्रपत्र एक क गोद लिए गए बच्चे की सूचना प्रपत्र। प्रपत्र एक के तीनों हिस्सों को जन्म की सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा फॉर्म में पूर्णता भरा जाता है, जैसे बच्चे की जन्म की तिथि, माता पिता का नाम, माता पिता का स्थायी निवास, बच्चे का जन्म स्थान इत्यादि के साथ ही यदि बच्चे का नाम रखा गया है तो उसे भरना और यदि नहीं रखा गया है तो उसे रिक्त छोड़ देना। बच्चे का नाम 1 साल के अंदर निःशुल्क डलवाया जा सकता है। रजिस्ट्रार द्वारा यह जांच करना आवश्यक है कि सभी हिस्से में पूर्ण और सही जानकारी भरी गई है। इसके साथ ही प्रपत्र एक क में
गोद लिए गए बच्चे के पंजीकरण हेतु वांछित सूचनाएं भी भरकर रजिस्ट्रार या संबंधित पदाधिकारी के पास जमा किया जाता है। रजिस्ट्रार प्राप्ति के निचले हिस्से में अपने पंजीकरण इकाई, जिला, प्रखंड तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं ध्यानपूर्वक भरें तथा उसमें अपना हस्ताक्षर एवं मुहर अनिवार्य रूप से लगाएं। जन्म प्रमाण प्रपत्र संख्या 5 में भरकर दिया जाता है। यदि जन्म पंजीकरण हेतु प्रपत्र 1 भरा गया है तो परिवार को प्रपत्र 5 देना अनिवार्य होता है। जिला स्तर पर जिला के उपायुक्त, जिला रजिस्ट्रार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन अपर जिला रजिस्ट्रार के रूप में नामित होते हैं। पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों के उपाधीक्षक रजिस्ट्रार होते हैं। यह आवश्यक है कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की समुचित जानकारी हो। जन्म पंजीकरण के कार्यों में जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रजिस्ट्रार के पास सभी प्रपत्र एवं आवश्यक सामग्री समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि सभी बच्चों का जन्म पंजीकरण सुनिश्चित हो एवं उन्हें इनका प्रमाण पत्र मिले तथा सभी बच्चों को उनका समुचित अधिकार प्राप्त हो सके।